हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसे खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। इतना ज़्यादा ये नाश्ता टेस्टी बनता है और इस नाश्ते को हम बिना तेल के बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं और इसके साथ खाने के लिए हम एक तीखी चटपटी चटनी भी बनाएंगे। तो इस चटनी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 कप दलिया। आप इसे ग्राम में वजन करेंगे तो ये 200 ग्राम जितना होगा। तो आप बोलेंगे दलिया क्या होता है, तो दलिया जो गेहूं होते हैं ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसी का दलिया होता है। दलिया आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में इजिली मिल जाएगा। तो अब हम इसमें पानी डालकर इसको 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लेंगे, ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और इसके बाद इस पानी को हम निकाल लेंगे। तो चलिए, इसको हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल कर इसका पानी निकाल लिए हैं, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। और पानी डालकर इसको इसी तरह से 10 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देंगे, ताकि ये 10 मिनट में अच्छे से फूल जाएगा। तो दलिया फूल रहा है, तब तक इसके साथ खाने के लिए तीखी चटपटी चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार में हम 1 मुट्ठी जितना धनिया के पत्ता डाल दिए हैं डंडल के साथ ही, और इसी के साथ इसमें हम 2 चम्मच कोकोनट पाउडर यानी कि नारियल के बुरादे डाल दिए हैं। आप यहाँ पर फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। साथ में ही इसमें हम 2 चम्मच जितना भुना हुआ यानी कि रोस्टेड मूँगफली डाल दिए छिलका निकाल कर, और 1 इंच छोटे छोटे टुकड़ा में कटा हुआ अदरक डाल दिए हैं, और 4 से 5 लहसुन के कली डाल दिए हैं। लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं। और 3 से 4 इसमें हरी मिर्च डाल दिए हैं। हरी मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए हैं, और 2 चम्मच इसमें हम दही डाल दिए हैं। आप दही के जगह पर इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू के जूस डाल सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच जितना पानी डाल दिए हैं। जार के ढक्कन बंद करके इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, यानी कि फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम पीस कर ले आए हैं, आपको ढक्कन हटाकर दिखाती हुए। देखिए, बहुत ही अच्छा चटनी के कलर आया है और बहुत अच्छे से पीस गया है। तो दही डालने से ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो चटनी को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, और अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच जितना तेल हम तड़का पैन में गरम कर लिए हैं। इसमें डाल लिए है 1/4 छोटा चम्मच साबुत जीरा, साथ में 1/2 छोटा चम्मच इसमें उड़द के दाल डाले हैं, 1/4 छोटा चम्मच इसमें हम काला वाला सरसों डाल दिए हैं, 1 लाल मिर्च डाले हैं, और 4 से 5 करी पत्ता डालकर इसमें तड़का लगा लिए हैं। इस तरह से तड़का लगाएंगे ना, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी का। और इसके बाद एक बार चला लिए हैं, ताकि तड़का के फ्लेवर चटनी में अच्छे से चला जाएगा। और ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, चटनी को साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर दलिया हम भिगो कर रखे थे ना, उसका ढक्कन हटा लेंगे, और आपको मैं दिखाती हूँ उठाकर। ये देखिए, दलिया हमारा बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे, और पानी निकाल कर एक मिक्सर जार में इसको हम डाल लेंगे। तो ये देखिए, इसका पानी निकाल कर हम इस दलिया को इस मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, और अब हम इसी स्टेज पर इसमें डाल लेंगे दही। तो यहाँ पर इसमें हम 1/2 कप दही डाल रहे हैं। 1 कप दलिया के लिए 1/2 कप दही लिए हैं, और इसी के साथ इसमें हम डाल लेंगे 1/2 कप पानी। तो इस माप को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद अब हम इसमें डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, और जार के ढक्कन बंद करके इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, यानी कि फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से पीस कर ले आए हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना है। और अब हम इस पेस्ट को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकना यानी कि बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 1 पैकेट इनो। अगर आप इसमें इनो नहीं डालना चाहते हैं तो 1/2 छोटा चम्मच मीठा सोडा डाल लीजिएगा, और अगर आप इनो या मीठा सोडा कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो इसको 4 से 5 घंटे के लिए पेस्ट को छोड़ दीजिएगा रेस्ट पर।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको इसमें इनो या मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर आप इसमें इनो या मीठा सोडा डाल रहे हैं ना, तो डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं फेंटिएगा, हल्के हाथे एक से दो बार फेंट लीजिएगा। और ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसी तरह की होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा पतला और नहीं ज़्यादा गाढ़ा। अगर आपका घोल ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें एक से दो चम्मच गेहूँ के आटा डालकर मिक्स कर लीजिएगा। और इनो या मीठा सोडा डालने के बाद इसे रेस्ट पर नहीं रखना है, तुरंत ही इसका नाश्ता बना लेना है। तो घोल को लेकर हम गैस की तरफ आ गए हैं और गैस पर हम एक तवा रखे हैं और तवा में हम तेल लगा लेंगे, यानी कि ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है, तवा को तेल से ग्रीस कर लेना है। और अब हम इसमें डाल लेंगे एक करछी भर के घोल, जो अभी हम घोल बनाए थे। घोल को डालकर छोड़ देना है, उसको फैलाना नहीं है, वो अपने आप अपना शेप ले लेगा। और गैस के फ्लेम लो रखना है, लो फ्लेम पर इसे पकाना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इसमें जाली दिखने लगेगा। तो आपको मैं कैमरा को जूम करके यानी कि पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से जाली बना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे क्योंकि ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है, और पलट कर इसको दूसरे साइड भी हम पकने देंगे। और ये देखिए इस साइड बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो दूसरे साइड भी हम इसको हल्का यानी कि लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद इसको हम फिर से पलट लेंगे और ये देखिए दूसरे साइड भी बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो इसको हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम बाकी नाश्ता को बना लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। तो इसी तरह से हम सभी नाश्ता को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।